अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बैतुल माल के हज़रत शेर सवार रहमतुल्लाह अलैह बैतुल माल के 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 2018 के रमज़ान शरीफ के मौके पर हम लोगों ने एक रजिस्टर्ड बॉडी बना के हज़रत शेर सवार रहमतुल्लाह अलैह बैतुल माल ट्रस्ट के नाम से अपनी कारकर्दगियों का आगाज़ किया था। 6 रमज़ान हो गए, ये 7वीं रमज़ान है, 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज से फिर 7वां साल शुरू हो गया है। अल्लाह के फजल व करम से और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल, हज़रत शेर सवार रहमतुल्लाह अलैह के नज़र करम और मेरे पीर हज़रत अफजल पीर रहमतुल्लाह नज़र करम से लोगों के बसो कल्याण बिलखसूस और अतराफ़ के गुलबर्गा और दूसरे मुकामात के लोगों के ताउन से बैतुल माल में हम लोग जहाँ तक हो सके अच्छे काम करने की कोशिश किए हैं। तकरीबन 30 से ज़ायद हमने बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं और बहुत सारे स्कीमात करने का इरादा है। इंशाल्लाह लोगों का ताउन तो हमारे साथ है और ज़्यादा से ज़्यादा ताउन की गुजारिश है। इस रमज़ान में जितना भी ताउन करेंगे उसका सही इस्तेमाल, उनके पैसों का एक एक पैसा हम सही इस्तेमाल करते हैं। जो भी पैसा ज़कात की शक्ल में, सदक़ात की शक्ल में, अतियात की शक्ल में, इसाले सवाब की शक्ल में जो लोग देते हैं, पूरा पूरा पैसा हम मुस्तहक़ीन को पहुंचाते हैं। जो भी हम प्रोग्राम करते हैं, ये प्रोग्राम लोगों को बताने के लिए या अपना जो है कुछ बड़ापन बताने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को तरगीब के लिए जो है हम प्रोग्राम करते हैं। और ये प्रोग्राम हम लोग अपने मेम्बर्स और हमारे जो है जो जान पहचान के हमारे लोग, हमारे दोस्त अहबाब, इसमें ताउन करके हम प्रोग्राम करते हैं ताकि लोगों में एक मालूमात हो हम क्या कर रहे हैं और इश्तियाक हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद कर सके बैतुल माल की। अब रमज़ान का मौका है, मेरी एक दर्दमंदाना अपील है कि जो है जितने भी अब तक जो ताउन किए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आइंदा भी इससे भी ज़्यादा, ये मुस्तहक इरादा है, इदारा है। आप जो है इधर उधर 4 लोगों को ज़कात देने के बजाय एक पूरी रकम अगर ज़कात की अगर यहाँ पर दिए तो उसका सही इस्तेमाल होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छे बड़े प्रोग्राम करके यहाँ के जो मुस्तहक़ीन हैं, जो बहुत सारे गरीब गुरबा हैं, परेशान हाल हैं, उनकी हम और से ज़्यादा हम उनकी जो है ना उनके दुख दर्द में थोड़ा सा भी हम सहारा बन सके, हमारी कोशिश है ये। और अल्लाह से भी दुआ है, आप लोग भी दुआ कीजिए कि इसमें हमें कामयाबी अदा करें। आमीन। इस्तेमाई शादियों का ऑलरेडी ऐलान हो चुका है और मई के महीने में शादियां करने का जो है ऐलान हो चुका है। उसकी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है। इसलिए जहां तक हो सके जल्द से जल्द आके रजिस्ट्रेशन, जो मुस्तहक़ीन लड़का लड़की हैं, शादियों के ख्वाहिशमंद हैं, यहां पर आप लोग देख चुके हैं, 2 दफ़ा हम कर चुके हैं ये शादियाँ, बहुत ही अच्छे पैमाने पर शादियाँ होते हैं। आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन जो करना चाहते हैं 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कराइए। इंशाल्लाह मई के महीने में डेट हम अनाउंस करेंगे, उसमें जो है शादियों का एहतमाम किया जाएगा। आज का जो प्रोग्राम था राशन किट्स की, रमज़ान के राशन किट्स की जो है तकसीम का, अल्लाह के फजल करम से अब तक ये 7वां प्रोग्राम है राशन किट्स की तकसीम का। पहले 2 प्रोग्राम हमने कैश की शक्ल में 1,000 रुपये हम मुस्तहक़ीन को दिए थे। बाद में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमने सोचा कि उनको कुछ अजनास की शक्ल में दें ताकि बाहर नहीं निकल सक रहे थे लोग, तो वही सिलसिला जारी है। इस बार हम जो है हर साल हम 400 साढ़े 400 किट देते थे, इस बार हमने 500 किट्स का अहतमाम किया है और हर किट का 850 रुपये खर्च हो रहा है। इससे एक प्रोग्राम में 4,25,000 रुपये हमारे बैतुल माल के जो है अखराजात हैं। लिहाजा इस रमज़ान में जो है जितना भी ताउन करेंगे उसका हम सही इस्तेमाल आइंदा रमज़ान तक अच्छे इस्कीमात करके करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।